Hi, hello friend. This is Swadhin again and welcome to our channel SD Global Biotech. So dosto, aaj aise hi main thoda ghumne ke liye main apne farm pe aaya hu. Ye Bangalore mein hai. Theek hai? To aaj main discuss karne wala hu kuch particular kuch topic ke upar. साल्ट, ठीक है? तो आपको कोई पर्टिकुलर बंदा आपको बता रहा है कि एक्चुअली एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक वीडियो भेजा था. उन्होंने बोल रहा है कि सर कोई पर्टिकुलर लोग बोल रहे हैं कि पहले ही आप साल्ट ऐड कर दो अपने टैंक पे जब आप वाटर प्रिपरेशन कर रहे हो. ठीक है दोस्तों, जब आप वाटर प्रिपरेशन के बारे में आप देखोगे डिटेल्स, ठीक है, आपको जितने भी डिटेल्स है आपको कहीं पे भी स्पेसिफिक वाटर प्रिपरेशन आपको नहीं मिलेगा. ना कि प्रोफेसर इरम सर के बुक पे भी आपको प्रॉपर वाटर प्रिपरेशन का वीडियो मिलेगा. ठीक है, तो आप सॉल्ट पहले ऐड कर रहे हो या बाद में ऐड कर रहे हो, उससे पहले हम लोगों को जानना चाहिए. हम लोग पहले अगर ऐड करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा, दूसरे मतलब बाद में आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो फ्लॉक बनने के बाद या तो फ्लॉक इनिशिएट होने के बाद, तो उसमें क्या डिफरेंस है. सो दोस्तों, मैं प्रोबायोटिक या मोलासेस इसके बाद ही में सॉल्ट ऐड करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि जो हम लोग वाटर जो रिसोर्स हम लेते हैं जनरली वो मीठा पानी होता है. ठीक है, अगर आप तालाब से लेते हो या आप ग्राउंड वाटर लेते हो उसमें एक मिनिमम सैलिनिटी मेंटेन रहता है. ठीक है, जो 0.5 ppt के नीचे रहता है. ठीक है, उतना सैलिनिटी काफी होता है बैक्टीरिया अपना लैग फेस स्टार्ट करे. स्पोर्ट्स में जो क्रोमोसोमल डेवलपमेंट होता है बाइनरी फिशन से पहले, ठीक है, एक से दो सेल बनने के लिए जो उनका जो प्रोसेस जो चालू होता है, ठीक है, उसके लिए आप जो सैलिनिटी होता है नेचुरल सैलिनिटी वो एनफ होता है. तो मेरा कहने का मतलब होता है कि भाई मैं कभी आपको बोल नहीं रहा हूँ आप सॉल्ट ऐड मत करो. ठीक है, सॉल्ट ऐड करना है एज पर सैलिनिटी. और अगर आप अपने बैक्टीरिया को सेटल होने देते हो, ठीक है, इनिशियल दो दिन, उस पर आपका लैग फेस का जितने भी क्रोमोसोमल एक्टिविटी है, ठीक है, ये सारे सेटल हो जाएंगे. दो दिन के बाद अब नमक ऐड करो तो दोस्तों उसमें क्या फर्क पड़ जाता है. आपको पहले दिन ही क्यों ऐड करना है, दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथा दिन ऐड करो. और वो भी आप ऐड करना थोड़ा आधा आधा करके. पहले दिन आपने सैलिनिटी आपने नोट कर लिया, सपोज आपको सैलिनिटी मिल गया 0.25 और 0.50, मान लिया आपको 0.50 ppt मिल गया. ठीक है, आपको लेके आना है 1 ppt, ठीक है, या 1.5 ppt, मतलब आपको क्या है 0.5 या 1 ppt आपको बाद में ऐड करना है. ठीक है, आप मोलासेस दो, आप प्रोबायोटिक दो, ठीक है, इसको आप दो दिन अलाउ करो एरिएशन के साथ. एरिएशन तो आपको पहले चालू होता है, उसके बाद आपके बैक्टीरियल स्पोर्ट्स सब सेटल हो जाएंगे, क्रोमोसोमल एक्टिविटी चालू हो जाएगा, बाइनरी फिशन के लिए वो रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा. उसके बाद फिर से 0.25 ppt जैसा नमक ऐड करो. उसके एक दिन के बाद फिर से 0.25 ppt ऐड करो. ठीक है, दो दिन बिना नमक छोड़ के. तो मतलब कहना है कि आप ऐसे भी नमक ऐड कर रहे हो. जब मैं बोल रहा हूँ अगर आप, क्या होता है, आप जब स्पोर्ट्स है स्पेशली जब स्पोर्ट्स में जो वायबल काउंट जब कम होता है प्रोबायोटिक में, तब क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बैक्टीरिया है आपको कहीं पे भी कार्बन सोर्स मिले आप गटर में भी डाल दो, वो अपना एक्टिविटी चालू कर देगा. ठीक है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है. लेकिन जब आप प्रोबायोटिक लेके उसमें आपके वायबल सेल्स काउंट बहुत कम है, तो जब आप नमक इमीडिएटली उसको डालते हो ना, इमीडिएटली बहुत ज़्यादा नमक, ठीक है, तो उसमें स्टैटिक एक आता है. ठीक है, बैक्टीरियल स्टैटिक एक मूवमेंट आता है, बैक्टीरियल सिडल मूवमेंट नहीं आता. स्टैटिक मतलब वो क्या होता है ना, उसका मूवमेंट रुक जाता है. कभी कभार क्या होता है, उसके अंदर का जो क्रोमोसोम है, ठीक है, आरएनए वगैरह है, उसका जो सिक्वेंस होता है पेयरिंग, एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन का जो पेयरिंग होता है जीन का, वो भी कभी कभी म्यूटेट हो जाता है. तो आपके जो बैक्टीरिया है ये डेवलप करने से पहले ही बहुत स्टेडी टाइम पे जाता है या डेवलप करने के टाइम में बहुत दिक्कत होता है. ठीक है, ये अगर आप एक आधा दो टैंक पे कर रहे हो प्रॉब्लम का पता नहीं चलगा, 50 टैंक पे कर रहे हो जो जिस प्रोसेस पे मैं बता रहा हूँ उस प्रोसेस पे करते हो प्रॉब्लम, आपको सक्सेस रेट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा.
या अगर अगर हम सॉल्ट अगर ऐड करते हैं उसके बाद में कुछ ऐड करते हो सकता है कि सक्सेस रेट थोड़ा कम मिलेगा, बट आपको बैसिलस इतना स्ट्रांग बैक्टीरिया है कि आपको फ्लॉक बना के देगा। अगर आपको मानना नहीं है ना तो आप एक काम करो, एक ही दिन पे आप प्रोबायोटिक ले लो, सॉल्ट ले लो, मोलासेस ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट सब एक दिन में एक टाइम पर डालो, उसके बाद भी आपका चांसेस है आपका फ्लॉक बन जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही प्रोसेस है, सही प्रोसेस फॉलो करना एक अलग बात होता है और किसी भी कंडीशन में रिजल्ट मिलना एक अलग बात होता है, बट इसका मतलब क्या होता है कि सब सही प्रोसेस फॉलो करोगे ना तो रिजल्ट काफ़ी आपको अच्छा मिलेगा, साइंटिफिकली मिलेगा और स्टेडी रहेगा, ठीक है। उसमें गड़बड़ी होने का चांसेस बहुत कम मिलता है, सिर्फ उतना ही है। मैं बोल रहा हूँ आप नमक ऐड करो, लेकिन आप दो दिन के बाद ऐड करो, ठीक है। नमक आपको जितना सैलिनिटी लेके जाना है, फर्स्ट दो दिन या फर्स्ट 50 आर के आसपास क्या करना है कि आपको अलाउ करना है बैक्टीरियल सेटल होने के लिए, उसका क्रोमोसोमल एक्टिविटी चालू करने के लिए। स्पेशली जो मेरे सब्सक्राइबर है वो प्लीज़ ये चीज़ फॉलो करो, नमक ऐड करो। दो दिन अगर आप वेट कर लोगे तो उसके लिए आपका ना बैक्टीरिया भागेगा, ना आपका पानी भागेगा, ना आपका कल्चर खराब होगा। तो मैं पहले ऐड किया नमक तो मैं ही ठीक हूँ, जो दो दिन के बाद नमक ऐड करता हूँ वो गलत है, ऐसा नहीं होता है। और आप बैक्टीरिया नमक दो या तीन पार्ट में ऐड करोगे तो और ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो दोस्त ये है एक पर्टिकुलर टिप्स। सेकेंड जो बात है दोस्तों, गूगल एक हथियार है, ट्रस्ट मी। गूगल में आपको प्रोफेसर येरम का भी थीसिस मिल जाएगा और आपको कचरा भी मिल जाएगा, बट ये आपके काबिलियत पे, ठीक है, आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा इंफॉर्मेशन ले सकते उस पर जो वैलिड हो और कौन सा कचरा है जो आपको लेना नहीं चाहिए। ये आपके एक्सपर्टीज इसके आपके काबिलियत पे डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात है कि दोस्तों जो बैक्टीरियल जो नेचर होता है, ठीक है, वो तो समुंदर में भी होता है, वो आपको वोल्केनो के जो आसपास होता है ना, जहाँ पर लावा खत्म होता है 100-110 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर भी आपको बैक्टीरिया मिलता है, जिसको एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया बोलते हैं। अगर आप अटलांटिस पे भी जाते हो ना, जहाँ सिर्फ बर्फ है, बर्फ -10, -20, -40, उस पर भी आपको बैक्टीरिया मिलता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक बैक्टीरिया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बैक्टीरिया एक ही टाइप के बैक्टीरिया हर जगह पे होता है, नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बैक्टीरिया होता है, साइक्रोफाइल्स, मेसोफिल्स, ठीक है, एक्सट्रीम थर्मोफाइल, डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया होता है, डिफरेंट डिफरेंट जोन पे रहता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिमम कंडीशन पे वो ग्रो करता है दोस्तों। तो ये कुछ छोटी छोटी बात है, आप देख लो आपको क्या करना है, आपको देख लो आपको क्या करना है दोस्तों, ये छोटी छोटी बात है और आपको जो सही लगे वो करो आप। बट मैं तीन टैंक पे तीन टाइप का वाटर प्रिपरेशन कर चुका हूँ। मेरे हिसाब से जो मुझे सबसे अच्छा लगा, आप सॉल्ट दो दिन के बाद ऐड करो, प्रोबायोटिक मोलासेस ऐड करने के बाद, ठीक है, सैलिनिटी के हिसाब से, ठीक है। और एल्कनिटी कैल्शियम कार्बोनेट का क्या संबंध है ये तो मैं बता ही दूंगा। सो दोस्तों, और जो दूसरी बात होता है, जब हम सैलिनिटी के बारे में बात करते हैं ना, मेरा कहना है सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका बैक्टीरिया स्टेटिक इफेक्ट होता है और बहुत ज़बरदस्त होता है। सैलिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि पानी में जो भी सैलिनिटी दिखता है उसका मतलब उस पर सिर्फ नमक ही होता है, ये नमक सिर्फ NaCl छोड़ के बहुत सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ब्रोमाइड होते हैं, पोटाशियम होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे 4-5 और फैक्टर्स होते हैं जिसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स होते हैं। तो उसका उसमें NaCl भी एक पर्टिकुलर यूनिट है, पूरा नहीं है। तो NaCl जब हम एक्स्ट्रा जब ऐड करते हैं ना बैक्टीरिया में, उसमें ज़बरदस्त एकदम झटका देते हैं बैक्टीरिया को, फिर वो सेटल होता है धीरे धीरे। तो उसमें आपका बैक्टीरियल स्पोर्ट्स से जो ग्रोथ होता है, कभी कभार वो रिटायर करता है, कभी कभार वो बंद भी कर सकता है। हो सकता है आपने एक्सपीरियंस किए होंगे, आपने 2-4 कल्चर बनाए, जैसे एवर फ्रेश प्रो, मुझे बहुत सारे आपको मुझे आया है रिक्वेस्ट कि सर मेरा प्रोबायोटिक बन नहीं रहा है, दूसरे बंदा बोल रहा है मेरा बहुत ज़बरदस्त बन रहा है। तो जब ये फ्रीज जब ये स्प्रे ड्राइंग होता है, जब स्पोर्ट्स बनता है, तब टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन के चक्कर में ना क्या होता है कि वो स्पोर्ट्स के जो अंदर जो होता है ना, स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट आधा मर जाता है या हो सकता है कि वो मरने के कागार पे होता है। उस टाइम वो वाला प्रोबायोटिक अगर आपको मिलता है, तो अगर आप
उसके ऊपर ऊपर से और सैलिनिटी का झटका देते हो तो उसका प्रोबायोटिक तभी दम छोड़ देता है। अगर आप दो दिन आपको रखते हो लैक फेज जीने के लिए और क्रोमोसोमल एक्टिविटी सेटल होने के लिए, हो सकता है उसको प्रोबायोटिक से फ्लॉक बनने का चांसेस बढ़ जाता है। सिर्फ उतना डिफरेंस है, नमक आपको ऐड करना है, बाद में ऐड करो दो दिन के बाद। थैंक यू सो मच।